नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इंडिया स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेलवे में आने वाली भर्तियों के बारे में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल रेलवे में आने वाली भर्तियों से संबंधित वीडियो बनाते हैं और कुछ अफवाहें भी फैलाते हैं कि इतनी इतनी पोस्ट आने वाली हैं, इस टाइम पर पोस्ट आएंगी। और अपना जो कोर्स है, अलग अलग एजुकेशनल चैनल अपना अलग अलग कोर्स प्रमोट करने के लिए, कोचिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ भी वीडियोस बनाते रहते हैं और बच्चे उन वीडियोस को देखते हैं और उनके कोर्स को ख़रीद भी लेते हैं, ठीक है, बिना किसी भी एनालिसिस के और बिना किसी भी प्रॉपर रिसर्च के। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रेलवे में आने वाली किसी भी भर्ती या उस भर्ती से संबंधित किसी भी नोटिफिकेशन को आप कैसे ऑफिशियल वेबसाइट से खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in, इसको आप विजिट करिएगा, ठीक है। जब आप इसको विजिट करेंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे की, और यहाँ देखिए आरआरबी की जो वेबसाइट है। देखिए, पूरे इंडिया में जितने भी आरआरबी की रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, उन बोर्ड की अलग अलग वेबसाइट है। जैसे अहमदाबाद की अलग वेबसाइट है, अजमेर की अलग, इलाहाबाद की अलग, बेंगलोर की अलग। अब आप देखिए दोस्तों कि आप किस जोन से आते हैं। आप भोपाल से आते हैं तो भोपाल में क्लिक कर दीजिएगा, आपको भोपाल के रिक्रूटमेंट बोर्ड की जब आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो वहां पर जो भी भर्ती होंगी, जो भी नोटिफिकेशन होंगे, भाई आपको मिल जाएंगे। यहां पर अजमेर से आते हैं तो अजमेर का चेक कर लीजिएगा, इलाहाबाद से आते हैं तो इलाहाबाद के चेक कर लीजिएगा। मैं यहां पर देखिए, मैं अजमेर का बता रहा हूं, ठीक है, अजमेर पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहां अजमेर का एक नए पेज में खुल के आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। rrbajmer.gov.in, यहां अजमेर की वेबसाइट खुल गई, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे ऊपर है जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा, भाई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डेट में भी आप देख सकते हैं, नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ आरपीएफ, तो आरपीएफ से संबंधित जो करेंटली फॉर्म भरे जा रहे हैं रेलवे में, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है। इसको जब आप इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यह नोटिस क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा और पीडीएफ फॉर्म में आप इसको रीड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, यह नोटिफिकेशन है, इसको आप इजीली रीड कर कि इस नोटिफिकेशन के अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और नोटिस पड़े हुए हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। आरपीएफ से रिलेटेड हैं कुछ, ठीक है, कुछ टेक्नीशियन से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर टेक्नीशियन में जो करेंटली फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपडेट करने का नोटिस आया हुआ था कि जिनके फ़ोटोग्राफ या सिग्नेचर सही नहीं है तो वो अपडेट कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं फिर से, ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो, ठीक है। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं भर्ती से संबंधित, उसको भी आप यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर देखो रेलवे कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रही है कि जो आपके डाउट हो उससे रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन पहले से ही अपलोड कर दिए। देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड है, भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे उसके आपको सीधे जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने अजमेर का बताया, इसी प्रकार आप इलाहाबाद का चेक कर सकते हो। देखिए, इलाहाबाद की वेबसाइट में आ गया तो सबसे पहली नोटिस है जो टेक्नीशियन में फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आया हुआ था उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं 2024 के, यहाँ देख सकते हैं, न्यू में देखेंगे तो 2024 के नोटिफिकेशन है सारे नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, आरआरबी टेंटेटिव कैलेंडर, तो आपको हर वेबसाइट में, हर बोर्ड की वेबसाइट में आरआरबी का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो टेंटेटिव कैलेंडर है भर्ती से संबंधित, भाई आप देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक टेंटेटिव कैलेंडर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आरआरबी का जो भर्ती का कैलेंडर है 2024 का, इसको आप देख सकते हैं कौन सी भर्ती कब आ रही है। देखिए, जनवरी मार्च में एएलपी की भर्ती आई थी, अप्रैल और जून के टाइम पे टेक्नीशियंस की आई हुई थी, ठीक है। जुलाई सितंबर में एनटीपीसी की भर्ती आने वाली है, आप इसको चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। एंड अक्टूबर दिसंबर में दोस्तों यहाँ लेवल वन और कुछ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की वैकेंसीज आने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों,
अक्टूबर में हो सकता है कि ग्रुप डी की भी आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर अपडेट होता है तो ग्रुप डी की डेफिनेटली आएगी। तो दोस्तों आपने देखा ये कैलेंडर, और जो रेलवे की भर्ती आने वाली है उससे संबंधित जानकारी भी आपको इस कैलेंडर से मिल गई। तो इस प्रकार से दोस्तों आप रेलवे की भर्ती ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं अलग अलग बोर्ड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी यूट्यूब चैनल पर जो एजुकेशनल चैनल हैं जो अफवाहें फैलाई जा रही है उनसे बच सकें। थैंक यू।